हेलो स्टूडेंट, देखो आज हम सीखने वाले हैं कि नंबर ऑफ मोल्स का कैलकुलेशन किस तरह से करें। अगर आपको कभी मास दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है किसी भी सब्सटेंस का, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं जैसे कि एटम्स है या आयन्स है या फिर मॉलिक्यूल्स है, तो अगर पार्टिकल्स गिवन हैं या फिर आपको वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन है, देन आप इन सभी से मोल्स का किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, इसी के बारे में आज हम लर्न करेंगे। ओके, सो प्लीज सी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक मोल अमाउंट कितना होता है। देखो, वन मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स 6.023 × 10³³ पार्टिकल। तो पहली चीज आपको ये रिमेम्बर रखनी है कि एक मोल कितना सब्सटेंस होता है, कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है जिसमें कि 6.023 × 10³³ पार्टिकल्स हो सकते हैं। ठीक है, लगभग इतने पार्टिकल्स होंगे। अगर ये पार्टिकल एटम्स हैं, लाइक इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। आपने कहा कि एक मोल एटम्स, तो वन मोल एटम्स का मतलब है कि इसमें, इस अमाउंट में 6.023 × 10³³ पार्टिकल्स कौन से प्रेजेंट है, एटम्स के। सो एक मोल एटम का मतलब हो गया कि 6.023 × 10³³ एटम्स। अगर आपने बोला वन मोल आयंस, तो इसका मतलब हो जाएगा 6.023 × 10³³ आयंस, चाहे वो किसी के भी आयंस हो, कोई से भी आयंस हो। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि वन मोल एन ए। ओके, वन मोल एन ए मतलब एन ए एक मोल अमाउंट है, तो उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, कितने एटम होंगे एन ए के, तो 6.023 × 10³³ एन ए एटम्स, इस तरह से। ठीक है, तो एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.023 × 10³³ पार्टिकल्स होते हैं। ओके, एक और चीज आपको रिमेम्बर रखनी है बच्चों, ये जो वैल्यू है, द वैल्यू 6.023 × 10³³, 6.023 × 10³³, ये बार बार आप लिखोगे, इसलिए इसको एक कांस्टेंट बना दिया गया है जिसको हम कहते हैं एवोगैड्रो कांस्टेंट, एवोगैड्रो कांस्टेंट। ओके, एंड इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन ए से। ठीक है, सो व्हाट इज एन ए, एन ए इक्वल्स टू 6.023 × 10³³ पार्टिकल्स। ओके, एंड दिस इज नोन एज एवोगैड्रो कांस्टेंट। सो ये एक यूनिट है, वन मोल इज द यूनिट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन 6.023 × 10³³ पार्टिकल्स। क्लियर? जैसे कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि वन डोजन इक्वल्स टू हाउ मच बनानास, सो आप बोलोगे वन डोजन इक्वल्स टू 12 बनानास, वन डोजन इक्वल्स टू 12 गुआवास, इस तरह से। सेम टू सेम ये भी एक यूनिट है, वन मोल एक यूनिट है, और एक मोल में कितने पार्टिकल्स हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 6.023 × 10³³ पार्टिकल्स, चाहे वो बनानास हो या एटम्स हो या फिर वो मॉलिक्यूल्स हो, कुछ भी हो। तो ये सिमिलर है, जैसे एक डोजन में 12 बनानास होते हैं, इसी तरह से एक मोल में इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इतना क्लियर है सभी को? ओके, सो प्लीज इसको आप सभी कॉपी करें। अब हम सीखेंगे कि किस तरह से एक मोल में, हमें ये तो पता लग गया कि कितने एटम होंगे, कितने आयन्स होंगे, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, बट अब हमें ये पता करना है कि हम वॉल्यूम से, मास से या फिर पार्टिकल्स से हम किस तरह से नंबर ऑफ मोल्स का कैलकुलेशन करेंगे। ओके, सो शी, देखो फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेम्बर, वन मोल इक्वल्स टू होते हैं एन ए पार्टिकल्स, ये अभी हमने जस्ट पढ़ा, 6.023 × 10³³ पार्टिकल्स, जिसको हम एन ए पार्टिकल्स भी बोलते हैं, और एन ए पार्टिकल्स। सेकेंड थिंग, अगर मैं इसको वॉल्यूम से रिलेट करूं, तो वन मोल इक्वल्स टू होता है 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, एनी गैस एट एनटीपी और एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे एक मोल में कितने लीटर गैस आती है, 22.4 लीटर। ओके, थर्ड थिंग,
अगर आपको कभी भी मास निकालना है, मास से रिलेट करना है, तो एक मोल में होता है मोलर मास के इक्वल मास। कितना मास होता है एक मोल में? मोलर मास कहते हैं हम इसको। अब ये मोलर मास अगर एटम का है तो हम एटॉमिक मास बोल देंगे, एटॉमिक मास। और अगर ये मॉलिक्यूल का है तो हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। ओके, सो देखो, एक मोल में इतने पार्टिकल्स हो गए, एक मोल में इतने लीटर वॉल्यूम हो गया, एक मोल में मोलर मास के इक्वल मास हो गया। अब ये यूनिट कौन से में हो, किस यूनिट में होगा ये मोलर मास? ये होगा ग्राम में। तो एक मोल इक्वल्स होता है मोलर मास के इक्वल अमाउंट इन ग्राम्स। ओके, जैसे कि अगर आपको कभी नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए जाए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या फिर हो सकता है कि आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जगह मास दिया जाए, मास इन ग्राम्स ऑफ एटम। ओके, या फिर हो सकता है मास इन ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल और कंपाउंड, या फिर हो सकता है आपको दिया जाए वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट एसटीपी और एनटीपी, एट एसटीपी और एनटीपी। तो आप किस तरह से मोल को कैलकुलेट करोगे इन सभी चीजों से, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स से? तो एक मोल में, अभी मैंने आपको बताया कि एक मोल में एन ए पार्टिकल्स होते हैं, 6.023 × 10^23 पार्टिकल्स होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको डिवाइड कर दें, अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं बच्चों एन ए से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों मोल्स में। सो हमने इसको देखो डिवाइड कर दिया एन ए से, एंड नाउ इट विल कन्वर्ट इंटू मोल्स। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? ये मोल्स में। ओके, सो ये नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे हमें इस तरह से। सेम टू सेम, इसी तरह से अगर आपको एक मोल में कितना वॉल्यूम होता है ये पूछा जाए, तो अभी मैंने आपको बताया था कि एक मोल में वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। इसका मतलब अगर टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन हो, तो आप अगर डिवाइड कर दोगे 22.4 से किसी भी गैस के वॉल्यूम को, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? इसके नंबर ऑफ मोल्स 22.4 से डिवाइड कर देंगे। जब भी वॉल्यूम दिया हुआ हो गैस का, आप 22.4 से डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? बस ध्यान रखना है कि ये एसटीपी या एनटीपी पर दिया हुआ हो, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे दिया हुआ हो। ओके, सो ये किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों? अब ये कन्वर्ट हो गया वॉल्यूम इन मोल्स। क्लियर? ओके, अब देखो, हो सकता है कि आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए हैं, आपने एन ए से डिवाइड कर दिया, एन ए की वैल्यू क्या थी? 6.023 × 10^23 थी, तो आपने इससे डिवाइड किया तो मोल्स आ गए। आपको वॉल्यूम दिया हुआ था गैस का एसटीपी एनटीपी पे, आपने 22.4 से डिवाइड कर दिया, बिकॉज एक मोल में 22.4 लीटर, अभी मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन अगर आपको मास दिया हुआ है, अब मास दो तरीके से दिया हुआ हो सकता है, या तो एटम का दिया हुआ होगा या कंपाउंड का दिया हुआ होगा। तो अगर आपको कभी भी इस तरह से दिया हुआ है मास ऑफ एटम, तो आप इसको डिवाइड करोगे एटॉमिक मास से, ग्राम एटॉमिक मास भी हम इसको कहते हैं, तो एटॉमिक मास से डिवाइड कर दोगे, ठीक है? अब एटॉमिक मास से डिवाइड करने पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? ये कन्वर्ट हो जाएगा मोल्स में, इस तरह से। ओके, नाउ अगर आपको मास दिया हुआ हो किसी कंपाउंड का, तो अगर किसी कंपाउंड का मास गिवन होगा, तो आप उस कंपाउंड का मोलिकुलर मास निकालोगे और उससे डिवाइड कर दोगे, मॉलिकुलर मास। मॉलिकुलर मास से डिवाइड करने से आपको क्या मिलेगा? नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे, ठीक है? तो देखो, इससे भी हमें क्या मिलेगा? नंबर ऑफ मोल्स। सो इससे डिवाइड करने से नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे। अब देखो, दोबारा से एक बार देखो, हमारे पास यहाँ पर क्या क्या गिवन है। हमारे पास है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो तो आपको क्या करना है? एन ए से डिवाइड करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे। और अगर एन ए से आपने मल्टीप्लाई कर दिया मोल्स को, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएंगे, ठीक है? इसी तरह से मास ऑफ कंपाउंड को अगर आप मोलिकुलर मास से डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे, और मोलिकुलर मास से अगर मोल्स को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा? मल्टीप्लाई करने से मास ऑफ कंपाउंड मिल जाएगा, ठीक है? ओके, इसी तरह से सिमिलरली
नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गैस के वॉल्यूम को 22.4 से डिवाइड कर सकते हैं और मास ऑफ एटम को भी एटॉमिक मास से डिवाइड कर सकते हैं। बोलो क्लियर है ये? ओके देखो अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इन 585 ग्राम NaCl अमाउंट। ओके ये आपको करना है। तो देखो यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, इसके सॉल्यूशन देखें सभी बच्चे। यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, इसमें आपको दिया हुआ है NaCl। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना है कि अमाउंट किस यूनिट में दिया हुआ है। तो यहां पर आपको दिया हुआ है मास, ठीक है, ग्राम में। सो NaCl इज 585 ग्राम। ओके अब देखो, अभी हमने क्या पढ़ा था कि मास जब गिवन हो तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, मोल्स इक्वल्स टू हो जाएंगे मास ऑफ कंपाउंड एंड डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर मास। इस तरह से अभी मैंने आपको बताया था, तो ये फॉर्मूला यहां पर लगा देंगे। तो मास हो गया हमारे पास 580 ग्राम्स। सो नाउ नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl इक्वल्स हो जाएंगे मास ऑफ NaCl इन ग्राम्स 585 एंड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अब देखो NaCl का मॉलिक्यूलर मास हम यहां पर रख देंगे m, m ऑफ NaCl, m ऑफ NaCl कितना होता है, देखो NaCl कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास को, तो जितने भी एटम प्रेजेंट है उस कंपाउंड में उसके एटॉमिक मास का सम कर दो तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो Na का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों, 23। ओके Cl का कितना होता है, 35.5। दोनों का सम कर दो कितना आया, 58.5। ओके सो दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl। क्लियर है? देखो हमने कैसे निकाला, दोनों एटम के एटॉमिक मासेस का सम कर दिया तो क्या मिला हमें, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl। तो इससे हमें इस पर डिवाइड कर देना है। सो नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू हियर, सो वी विल गेट The number of moles 585 divided by 58.5. कितना आया बोलो, 10. So this is the number of moles of NaCl in 585 grams. Is it clear? Okay, good. Second example. Question. Calculate the number of moles of O2 gas in 5.6 liter volume at room temperature. Okay, so देखो यहां पर हमें दिया हुआ है STP पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर दिया हुआ है रूम टेम्परेचर एंड हमें निकालना नंबर ऑफ मोल्स। तो देखो मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, मैंने आपको कहा था कि नंबर ऑफ मोल्स जब आप वॉल्यूम से निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ गैस से, तो आप क्या करोगे, वॉल्यूम इन लीटर ऑफ गैस एट STP और NTP एंड डिवाइडेड बाई 22.4। सो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, फिर हमने यहाँ पर वॉल्यूम की वैल्यू पुट की। ये वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, दिस इज गिवन 5.6 लीटर, तो 5.6 डिवाइडेड बाय 22.4 कितना आया बोलो, 0.25 मोल्स आंसर। क्लियर? ओके थर्ड एग्जांपल्स, थर्ड एग्जाम्पल इज, देखो ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इन 2×10³³ एटम्स ऑफ Na। ओके तो देखो यहाँ पर हमें पार्टिकल्स दिए हुए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स से जब नंबर ऑफ मोल्स निकालते हो तो क्या करते हो, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और डिवाइडेड बाय Na, ऐसे ही तो मैंने आपको बताया था।
पार्टिकल्स कितने हैं, 2 × 10^23, और एन ए की वैल्यू कितनी होती है, एन ए की वैल्यू होती है 6.023 × 10^23, तो ये इतने मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, एंड ये आएगा लगभग 0.33 मोल्स। ओके क्लियर, तो दिस इज द आंसर। सो आई होप दिस इज ऑल क्लियर, थैंक यू।